घर में सब ठीक ठाक खैरियत? जी आंटी, दे ऑल फाइन। ओ हाय, लो दानियाल भी आ गया। देखो बेटा, तुमसे मिलने के लिए कौन आया। बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो। कैसे हो तुम? आई एम गुड, फाइन। देखिए ना आंटी, दानियाल तो मुझसे ठीक तरह से बात ही नहीं करता है। हर वक्त मुझे इग्नोर करता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दानियाल बेटा, मेरी ना हमारी मेहमान है ना, और तुम जानते हो कि मेरी कजन की बेटी भी है, तो घर आए मेहमान से तो खुश इखलाकी से बात करते हैं ना बेटे। तो अम्मी, मैं कौन सा बदतमीजी कर रहा हूँ? बताइए मेहरीन, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? जी नहीं, मुझे आपकी किसी भी खिदमत की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पे आंटी को लेने आई थी। तुम्हें पता है आज बहुत जबरदस्त लॉन की एग्जीबिशन लगी हुई है। जब मैं और आंटी मिलकर शॉपिंग करेंगे तो खूब मजा आएगा। हाँ बेटा, बहुत इंजॉय करते, लेकिन वो बात दरअसल ये कि अभी चंद दिन पहले मैं भी सेल से बहुत सारे कपड़े खरीद कर लाई हूँ, तो इसलिए। आंटी, ये आपने कैसे गैरों जैसी बात कर दी है? आपकी सारी शॉपिंग मेरी तरफ से होगी, यू डोंट वरी। अच्छा मैरीन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम चुप रहो दानियाल। अरे इतने प्यार से कह रही है मेरी बच्ची, भाई मैं तो जरूर जाऊंगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है अम्मी, प्लीज। दानियाल तुम चुप रहो, ये तुम्हारा ददियाल नहीं, मेरा मैका है। देखो तुझे कितने खुले दिल से ऑफर किया उसने कि शॉपिंग पे लेकर जा रही है। तुम्हारे ददियाल वालों ने तो कभी चवन्नी की चीज नहीं दिलवाई मुझे। मैं अभी आती हूँ तैयार होकर। ये तो अपना पूरा ददियाल पर गया। अरे छोड़ तू अपनी अम्मी। अम्मी हड़ताल भी अचानक होनी थी, मेरा कजिन फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या हो गया है। यार हम कब तक इंतजार करेंगे यहाँ पर? हमें आज आना ही नहीं चाहिए था। तो ये कराची के हालात कुछ पता ही नहीं इनका। बाकी लोग भी तो लिफ्ट लेकर जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। यार नहीं, हेलो हेलो, आप दोनों यहाँ सब ठीक है? जी वो हवाई जहाज का इंतजार कर रहे हैं। रियली? मुझे तो कोई हवाई जहाज नजर नहीं आ रहा। और वैसे भी आज तो हड़ताल है, तो नो नो चांस। जी हम तो खुद परेशान है कि घर कैसे जाएं। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। जी जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी ना, क्या हो गया? हाँ शी इज राइट, सवारी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन कल सुबह। फारिस आपको परेशानी तो होगी, काइंडली आप हमें घर ड्रॉप कर सकते हैं? अरे महवेश, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? हाँ इसमें परेशानी की कौन सी बात है, लड़कियों को घर ड्रॉप करना तो आपकी हॉबी है ना? जोया, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, हमें चलना चाहिए प्लीज। देखिए जोया, अगर तुम्हें यहाँ खड़े रहने का इतना शौक है तो खड़ी रहो, हमें यहाँ पर कोई सवारी नहीं मिलने वाली, अब चलो प्लीज प्लीज आ जाइए। बस फारिस आप यहाँ पर रोक दीजिए। अब यहाँ? जी जी साइड पर, यहाँ
तुम यहाँ उतरोगी? हाँ मेरे साथ चलो। मैं रोज यहीं तो उतरती हूँ। हम फारिस सबको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। बाय। क्या मुसीबत, हड़ताल भी आज ही हो रही थी। अजी अब होनी को कौन टाल सकता है? अब यकीन जानिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं आपसे बात नहीं कर रही। अच्छा लेकिन गाड़ी में तो बस हम दोनों ही हैं, नहीं? मजबूरी थी इसीलिए आपका एहसान लेना पड़ा मुझे। जोया उस दिन मैं आपसे जानबूझ के नहीं टकराया था, सिर्फ एक इत्तेफाक था, मेरा यकीन कीजिए। तो मैंने आप पे इल्जाम लगाया है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे लोगों का एहसान लेना बिल्कुल नहीं पसंद। जी जी आई नो। वैसे आप हर वक्त इतने गुस्से में रहती हैं? जी मैं ऐसी ही हूँ। okay. I think काफी मुख्तलिफ हैं आप। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा सही करें, ठीक करें। जी जी जी। बस गाड़ियां रोक दें। यहाँ? मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ I think it's not safe। कोई ज़रूरत नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं खुद चली जाऊँगी। रोकें गाड़ी। ओके। अम्मा, अम्मा, आप ही? यहाँ हूँ। ओ, यहाँ? तुम आ गई? काफी कॉल्स की थी मैंने, हड़ताल भी हो गई एकदम से। फोन बैग में होगा। ये अखबार कहाँ से आया है? यार ये बराबर वालों से मांग कर लाएंगे। मुझे नहीं पता था तुम्हें अखबार पढ़ने का शौक है। जॉब देख रही हूँ, ये अगर सब एडिटर वाली जॉब मिल जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हें इतना एतमाद कब से आ गया? जब हादसात अचानक हो जाते हैं तो एतमाद भी आ ही जाता है। पता है कभी कभी ना जिंदगी अचानक एक ऐसा मोड़ लेती है कि बस गहरे दुख इंसान की सोच को गहरा बना देते हैं। खैर ये बातें छोड़ो, तुम बताओ तुम आई कैसे? आज तो कोई गाड़ी भी नहीं चल रही ना। लिफ्ट लेकर आई हूँ। अच्छा? हाँ सारा मूड खराब हो गया मेरा। क्यों ऐसा क्या हुआ? आप ही याद है वो लड़का जब हम फॉर्म जमा करा रहे थे उसने आके टक्कर मारी थी मुझे, उसी से लिफ्ट लेनी पड़ी मुझे। हैं? क्या है? जहर लग गया मुझे। हाँ जहर तो वो था। अच्छा उसका नाम क्या था, कुछ बताया उसने? फारिस। फारिस यार काफी अच्छा नाम नहीं है? या, क्या हुआ?
अरे बेटा तुमने तो बहुत कुछ दिलवा दिया मुझे। अरे आंटी ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि किस दिन तुम मेरे घर मेरी बहू बनकर आओगी। पता नहीं, हाँ वो दिन आएगा बिकिन है। क्यों नहीं आएगा भला? अरे वो जरूर आएगा वो दिन, बस थोड़ा सा इंतजार करो और देखो कि मैं करती क्या हूँ। आंटी आप सोच भी नहीं सकती हैं कि मेरे कितने रिश्ते हैं। अरे बेटा तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ दानियाल से होगी, दानियाल तुम्हारा है और किसी का भी नहीं। और वैसे भी बेटा दरिया करो आहिस्ता आहिस्ता करके मोड़ते हैं। लेकिन दानियाल तो सिर्फ जोया से मोहब्बत करता है। अरे कोई प्यार व्यार नहीं करता वो, ये तो जोया ने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया हुआ उसको। वैसे भी गुर्बत से घबरा कर देखना चंद दिनों में वापस आ जाएगा। जोया जैसी मासूम भोली भाली लड़की दानियाल को सूट नहीं करती, नॉट एट ऑल। और क्या, मैं भी तो यही कहती हूँ। अरे उसको तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहरीन सूट करती है, जोया कहाँ उसका मुकाबला तुमसे कहा मेरी बच्ची। जी तो ये आपका, यू नो टाइमिंग्स आर परफेक्ट, भाईजान इज अराइविंग इन 3 डेज और तुम्हारी पार्टी भी अरेंज हो गई है तो अच्छा है, वो भी अटेंड कर लेंगे। जोया सालिया क्लास फेलो है। सबसे पहले सबसे स्पेशल फ्रेंड का नाम लिखा जाता है। कम ऑन मान, अब ऐसी कोई बात नहीं है। ओह रियली? यस, गिव इट टू मी, यू थिंक व्हाट, मतलब आई एम जस्ट सेइंग। अब वैसे भी ये तो शायद आए भी ना, इनवाइट तो करूंगा। क्यों, तुम्हारी पार्टी में क्यों नहीं आएगी? Isn't she your special friend? I mean she is. No, I mean wow, class fellow है वो। वैसे भी हम तो सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं। लड़ते झगड़ते भी हैं। चलो किसी हवाले से तो तुम्हारी स्पेशल दोस्त हुई ना। हाँ मगर ये देख लो कि वो पार्टी में आए भी सही और तुम लोग लड़ते झगड़ते रह जाओ। हाँ भाई आएगी तो लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन पता नहीं आएगी भी कि नहीं। तो जब उसने आना ही नहीं है तो फिर से कार्ड क्यों दोगे? Come on, वो क्लास फेलो है, बाकी क्लास फेलोज को दूंगा, उस अकेली को नहीं दूंगा तो माइंड ना कर जाए। हाँ माइंड करेगी फिर लड़ना झगड़ना भी छोड़ देगी, राइट? सो इजंट दैट अ गुड थिंग? नो, नहीं चाहता कि वो मुझसे लड़ना झगड़ना छोड़े। कॉम्प्लिकेटेड प्लीज दे मुझे। ओ सो नाउ इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आहा मां, आई एम जस्ट सेइंग ये सब मैं इधर कर लेता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, आ गई? जी अम्मी एक अच्छी खबर है। क्या? जिस जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था वहां जॉब मिल गई है। आपकी मुबारक हो। कल से ज्वाइनिंग दे रही हूँ, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है, सब शुरू शुरू में यही कहते हैं, फिर बॉस इतना काम कराएगा ना पता चलेगा। मैं बाद में भी यही कहूंगी। देखना तुम्हारा बॉस तुम्हें सब एडिटर से एडिटर बना देगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अब इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को, बस शौक पूरे कर लो फिर तुम दोनों की शादियां भी करनी। अल्लाह अम्मी शादी हर मसले का हल नहीं होती, इनफैक्ट बहुत सारे मसले मुझे लगता है शादी की वजह से होते हैं। और खुद के पैसे होंगे ना तो फिर शादी भी हो जाएगी। सही पता है मैंने अभी से सोच लिया, जब मेरी पहली सैलरी मिलेगी ना तो वो मैं आपको दूंगी। हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि पहली तनख्वाह अम्मा के हाथ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी। Shut up, ऐसा ही होगा। देखते हैं, मैं भी यही हूँ आप भी यही हैं। हाँ। तुम दोनों तो ऐसे लड़ रही हो जैसे सैलरी आ गई है, आ तो जाए फिर लड़ना। चलो मेरे साथ काम करवाओ, ये पैकिंग करवाओ।
अल्लाह मैं तो खुश हूँ। अब आप ही सारी मेरी फरमाइशें पूरी करें, है ना? सोचूंगी। क्या? हाँ जी अब्बा जी, मैंने खुद देखा है। उस दिन मैं अपने दोस्त को लॉ कॉलेज मिलने गया था, जोया भी मुझे उधर ही दिखाई दी। मैं अभी देखता हूँ ना, कैसे करती है वो LLB? LLB करने का ख्याल तो जोया को दिल से निकालना ही पड़ेगा। चल अस्मत, सलाम अलैकुम भाई साहब। सलाम अलैकुम डायर। वालेकुम सलाम। आप अंदर आइए ना भाई साहब। नहीं, इधर ही ठीक है। रोया किधर है, नजर नहीं आ रही? वो तो पढ़ रही है। पढ़ाई पढ़ाई कर रही है? क्या पढ़ रही है? वो तो झूठ ना बोल रहा मुझसे, सब अच्छी तरह जानता हूं मैं। पता है मुझे उसने लॉ कॉलेज के अंदर दाखिला लिया है, वो भी हमारी बगैर इजाजत के। समझते हो तुम लोग कि हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा? ओ भाई साहब, सोया को वकील बनने का शौक है इसलिए पढ़ रही है, और वैसे भी हमने ये बात किसी से छुपाई नहीं है। ताया जी, वो वकालत पढ़ रही है, ये बात उसे बताने की तो जरूरत नहीं है ना किसी को। अच्छा, रोया को वकील बनने का ख्याल आया कैसे? क्योंकि वो अपनी मर्जी की मालिक है, उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, उसके जो दिल में आएगा वो वही करेगी। वाह, वाह, बहुत अच्छी तरबियत की तूने अपनी अफलातून बेटियों की। पर जाओ, तुम जाके चाय बनाओ। रहने दो चची, हम लोग यहाँ चाय पीने नहीं आए। बस अब एक बात मेरी खामोशी से सुन लो, असमत जोया से कह दे कि खामोशी के साथ लॉ कॉलेज छोड़ दे, और वकील बनने का ख्याल भी अपने जहन से निकाल दे तो अच्छा उसके लिए। एक बात बताओ मुझे, ये हरकतें करके साबित क्या करना चाहती है वो? हैं ताया जी, वो कुछ साबित नहीं करना चाहती। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जोया आपकी भतीजी है, अगर वो वकील बनेगी तो आपको क्या खुशी नहीं होगी? आपके लिए तो ये फखर की बात होनी चाहिए ना। शवार, पता है मुझे अच्छी तरह कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने दाखला सिर्फ इसलिए लिया कि वो मैं नीचा दिखाना चाहती है। बेवकूफ समझती है मुझे तू? भाई साहब, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा ही है। और क्या समझते तुम लोग हैं? तुम लोग क्या समझते हो कि हम लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं? और तुम लोग मेरे ताल्लुकात से भी वाकिफ ही नहीं हो। ओए, ये तो अब्बा तुम लोगों का लिहाज करते रहते हैं। आप लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोगों ने आपको ढील दे रखी है। बेटा, आराम से बैठ के बात करते हैं, बात करने से मसले का हल निकल आएगा। हाँ, अब बातचीत करें वरना इस मसले को खत्म भी करना आता है हमें। बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया है, आओ बैठो। कैसी तबीयत है बापकी? तुम आ गई हो ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। आंटी, ये तो आपकी मोहब्बत है। एनीवेज, अब मैं आपके लिए कुछ सैंडविचेस लेकर आई हूं। आपका ब्लड प्रेशर जो लो हो गया था, इसके खाने से आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये लीजिए। हाय मेरा बच्चा, कितना ख्याल करती हो ना तुम मेरा, वरना इस घर में तो किसी को मेरा ख्याल ही नहीं आता। आंटी, अब दानियल की बर्थडे आ रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं दानियल को गिफ्ट दूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दानियल मेरा गिफ्ट कबूल नहीं करेगा। अरे कैसे कबूल नहीं करेगा, तुम कोई गैर थोड़ी हो, अपनी हो।
उसके मिजाज को तो जानती है ना। उसके मिजाज की तो ऐसी की तैसी, तो वही करेगा जो उसकी मंगेतर कहेगी। अरे उसकी मंगेतर गई जहन्नुम में, तुम फिक्र मत करो, वो वही करेगा जो तुम कहोगी। अच्छा आंटी, वो मैं चाहती हूँ कि मैं दानियल को सरप्राइज दूँ। हाँ बेटा जरूर दो सरप्राइज, अभी तो काफी दिन पड़े हैं उसके सालगिरह में, तुम कुछ प्लान कर लेना। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठो ना, मैं लेकर आती हूँ अभी चाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज ताया अबू हमारे घर कैसे आ गए? आदिल ने तुझे बदला कॉलेज में जाते देखा है। तेरी इतनी जुर्रत हो गई है कि हमसे इजाजत लिए बगैर तूने दाखला ले लिया कॉलेज में, इतनी दिलेर हो गई है तू है? तो मेरी पढ़ाई के फैसले में मुझे आप लोगों की इजाजत लेने की जरूरत है? वैसे तो हमारे घर में जो मामलात होते हैं उसमें आप कभी दिलचस्पी नहीं लेते, तो आपको क्या फर्क पड़ता है मैं लॉ पढ़ू या कुछ और? छुटकी मुझसे जरा करने की जरूरत नहीं है, जो समझा रहा हूँ वो अच्छी तरह समझ ले। कल से काले जाने की जरूरत नहीं है तुझे। क्यों? क्यों का क्या मतलब? सुना नहीं अब्बा ने क्या कहा है? ताया अब्बू, मेरी पढ़ाई मेरा मसला है और ये हमारे घर का मामला है, आप लोगों को जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना कहा जा रहा है ना उतना ही कहा, वरना नताज की जिम्मेदार तुम सब लोगों के, समझ आ रही है? भाई साहब बात को आगे मत बढ़ाइए। ओ बात बढ़ना क्या होता है समझ? बात तो बढ़ चुकी है, समझा ले से, कह रहा हूँ एक दफा कॉलेज नहीं जाएगी ये तो नहीं जाएगी बस। आपको ही नहीं होता, मेरे लिए फैसला करना। आपने हमारे घर पे तो कब्जा कर लिया है, अब क्या हमारी जिंदगियों पे भी आप अजारादारी करेंगे? के साथ बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम लोगों की औकात क्या है? ठीक है ना, आप ये हमारे मामले में दखल देना बंद कर दे तो अच्छा होगा। हाँ। और आप लोगों का क्या हक है कि आप लोग हमारे ही घर में आके तमाशा कर रहे हैं? जिस दिन तुम लोगों का लिहाज करना मैंने छोड़ दिया ना, बुरी तरह पछता रहा तुम लोगों ने। ये वक्त ही बताएगा कि कौन पछताता है और कौन नहीं। जोया क्या कर रही हो ये बेटा, आहिस्ता बोलो, ताया है तुम्हारे। अच्छा तब मैं भी देखता हूँ कैसे जाती है तू लॉ कॉलेज और कैसे बनती है तू वकील। आप हमें अपनी धमकियों से ना डराए मत। और चल आदिल चल, हम लोगों का ना ये मामले सुलझाने आते हैं, दिमाग सही कर दूंगा एक एक का तुम लोगों का। जाओ जाओ पहले अपना दिमाग ठीक करना फिर यहाँ आना। बेटा चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अम्मी क्या कर रही हो तुम दोनों, क्या चाह रही हो? या अल्लाह क्या हो गया है आपको अम्मी? क्या चाह रही हो? अच्छा आप तो चुप करें, देखो किस तरह से धमकियां देखेंगे। अब्बा जी मुझे समझ भी नहीं आ रहा आपने इतनी आसानी से उन्हें जाने कैसे दे दिया, दो चुपेड़े लगाते उन्हें ताकि वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके शोर शराबा करती और हमारा मोहल्ले से निकलना मुहाल हो जाता। बाजी जिस दिन वो लड़की वकील बन गई ना उस दिन सबसे बड़ा मसला वो हमारे लिए खड़ा करेगी, हमने किसी भी हालत में उसे कामयाब नहीं होने देना। तू देखता जा मैं करता क्या उनके साथ, असमत और उसकी मकार बेटियां पछताएंगी, बुरी तरह पछताएंगी। इस तरह झगड़ा करके बात करने की क्या जरूरत थी, बात बैठकर आराम से भी हो सकती थी। अम्मी झगड़ा हमने शुरू नहीं किया, झगड़ा उन्होंने शुरू किया था। अम्मी वो लोग हमारे घर में आकर हमें धमकियां दे रहे थे, चुपचाप बैठे रहते, जवाब ना देते उनको।
क्या करूं मैम, मेरा तो दिल घबरा रहा है। आप परेशान मत हो, ताया अबू सिर्फ धमकियां देते हो, वो कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आती, जवान बेटियों का साथ है, घर में कोई मर्द नहीं है, आखिर कब तक मुकाबला करूंगी मैं इन लोगों का। अम्मी प्लीज, कुछ नहीं होगा। मैंने कितनी मर्तबा तुम दोनों को समझाया है, अपने ताया के साथ सवाल जवाब मत किया करो, मगर तुम लोग नहीं समझती। तो अम्मी अब जाके ताया अबू को बोल दे कि हमारे मामला में दखल अंदाजी देना बंद कर दे, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। मैं उनसे ये सब नहीं कह सकती। अम्मी कोई ना कोई तो मुकाबला करेगा ना उनका। आपसे कह रही हूं परेशान मत हो। ओके। मुझे पहले ही डर था कि यही होगा। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो ठीक कहती, तुम्हें अपने ताया से उलझने की जरूरत नहीं है। तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो मुझसे, तुम्हें पता भी है वो क्या कह रहे थे, धमकियां दे रहे थे हमें? तो तुम लोग खामोश हो जाते। तुम जानती हो कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। डांडियां एक हद होती है ना, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे उनकी फजूल बातें? यार जोया, तुम जानती हो कि तुम्हारा कजन एक नंबर का गुंडा है। तो हम भी कोई जंगल में नहीं रहते, क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? जोया, तुम्हारे ताया और उनका बेटा बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर तुम्हारे ताया अपने मरहूम भाई की जायदाद पे कब्जा कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। जोया बच्चों जैसी बातें नहीं करो। मैं कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, लॉ करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ हाँ, एक तुम ही तो समझदार हो, बाकी सब अहमक है। अच्छा ठीक है ठीक है, इन बातों को यही खत्म करो, कल तुम मुझे कॉलेज लेकर जा रहे हो, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। आ गया ख्याल माँ की तबीयत पूछने का? बीबी तो नॉर्मल है ना आपका? हाँ बेटा, वो महरीन आ गई थी ना, उसका चेहरा देखते ही मेरा तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। ओह अच्छा, और कौन मेरी तबीयत पूछने के लिए आएगा? तुम्हारे ददियाल वालों को तो इतनी तौफीक ही नहीं है कि कभी आकर मेरा हाल अहवाल ही पूछ लें, कि अकेली कहाँ मर रही होंगी, कोई तो आए। अम्मी मैंने उनको बताया है कहाँ था, अब बीबी तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। शाबाश बेटा शाबाश, अरे बहुत अच्छा किया जो उन्हें नहीं बताया। अरे माँ से ज्यादा तो तुझे अपने ससुराल वालों का ख्याल है, कहीं उनके चार पैसे ना खर्च हो जाते रिक्शा में बैठ के आने के लिए। बहुत अच्छा किया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे ना बाप को फिक्र है और ना ही बेटे को, सारा दिन अकेली मरती रहूं, यहां पड़ी रहूं, बीमार रहूं या मर जाऊं, कुछ भी करूं, मगर तुम लोगों को सिर्फ वो है अपने ससुराल वालों के, अपने ददियाल के और किसी की फिक्र नहीं है। Thank you.
जोया, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम आइंदा कभी कॉलेज नहीं आओगी। क्या बदतमीजी आदत है, सामने से हटो। मैं सामने से नहीं हटूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम आइंदा अपने कदम इस तरफ नहीं लेके आओगी। देखो आदिल, ये मेरा कॉलेज है, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। तमाशा तो अब यहीं होगा। तुम्हें ना अपनी इज्जत की परवाह है न किसी और की। तुम एक घटिया इंसान। तुमने मेरी बदतमीजी अभी देखी कहा है? हैं? तुम जिन कदमों से यहाँ चल के आई हो ना, उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ। शाबाश, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। तुमने मेरी हद देखी ही कहा है? तैयार हो गई बेटा? जी अम्मी, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी वापसी पे क्योंकि ऑफिस में फंक्शन है। अच्छा, ख्याल से जाना बेटा। अरे अम्मी कुछ नहीं होता, बराबर में ही तो है ऑफिस, आप परेशान ना हो। वो बेटा आज रहने देती? क्यों, नई नई नौकरी है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आपके लिए फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अम्मा। कौन है बे ये अंधा? सॉरी, बाय द वे, एक्सक्यूज मी, आप लोग हैं कौन और इतनी अच्छी जगह पे आप जैसे लोगों का क्या काम? मैं सुपरमैन हूँ। हाँ, ये मेरी कजन है, मैं इसकी ताया का बेटा हूँ, तू कौन है? फैमिली मैटर है भाईजान, फिर तो सब नहीं करना चाहिए। आई मीन फैमिली के लिए तो लोग अपनी जान तक दे देते हैं और आप लगा बहुत अच्छा लगा यार। फिर से जोया, आप प्लीज अंदर जाइए। जोया कहीं अंदर नहीं जाएगी। जोया आप प्लीज अंदर जाइए। जोया कहीं नहीं जाएगी, और अगर जोया तुम अंदर गई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। रजा प्लीज आइए, अंदर जाइए। मेरी गेम नहीं जानता। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी गेम बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन आपकी गेम ओवर करना जरूर जानता हूं। नहीं भाई, नहीं लड़ना, हमें डर लग रहा है। चलो भाई, चलो चलो, छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं लड़ते नहीं हम लोग। जी क्या में? मैं आ रहा हूं जी, आ रहा हूं मैं। बहुत बुरा हुआ जोया। हाँ यार, मेरे ताया बहुत नानसाफी करते हैं। मेरे ताया अबू ने मेरे अबू के घर पे कब्जा कर लिया है और अब उनको पता चला कि मैं एलएलबी करके वकील बन जाऊंगी तो उनसे बात बर्दाश्त नहीं होगी। छोड़ ना जोया, तुम फिक्र ना करो, कॉलेज की इंतजामिया जरूर कोई ना कोई सॉलिड एक्शन लेगी। आई होप सो यार, वैसे ऐसे मिसहैप्स होते रहते हैं, तुम रिलैक्स करो। हाँ लेकिन
सबके सामने इतना हंगामा हुआ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वैसे मैं फारस का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बात पर। चलो टेंशन मत लो। कजिन को फोन मिला रही हूँ, फोन बंद जा रहा है। एक तो वक्त पर तुम्हारा फोन नहीं मिलता जोया। जी तो क्या हालात है अब? यू ओके? मच बेटर। थैंक गॉड फारिस, अब वक्त पर आ गए, वरना पता नहीं बात और भी बिगड़ जाती। कैसी बातें कह रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। वो लोग चले गए? जी वो कॉलेज मैनेजमेंट ने उन्हें पुलिस के हवाले किए। पुलिस के हवाले कर दिया है? मेरा ख्याल है सोया आप किसी को घर से बुला लें, बेहतर तो यही है। हाँ फारिस ठीक कह रहा है जोया। मेरा मतलब है कि जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर लेती और वो लोग सुलहनामे पे साइन नहीं कर देते तो यूं अकेले घर जाना इस वक्त से। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कोई खानदानी दुश्मनी है? जी आप यही समझ लीजिए। हाँ जोया की फैमिली के कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसी वजह से बस। ओह ऐसी? नहीं नहीं अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मेरी खुद बात हुई है पुलिस स्टेशन में और अब चीजें अंडर कंट्रोल है, सो रिलैक्स। जी हम क्लास की तरफ जा रहे हैं। बीत जाए।